वेलकम बैक टू नुस्ता मस्ती गाइस। तो आज है 1 जनवरी 2023। जी 2023 का पहला दिन है, साल की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं न्यू ईयर पार्टी के साथ। अब न्यू ईयर पार्टी कहाँ होगी क्या होगी, आप लोग व्लॉग में बने रहो। देखो मैं जानता हूँ आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया है, फिर भी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं हमारी न्यू ईयर पार्टी। हरी बोल। धनराज कैसा रहा सफर? मस्त। धीरज भैया सफर कैसा रहा? सफर धनराज को पूछो। धनराज को मजा आया। अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, हेलमेट लॉक कर रहे हैं। मालूम मेरा आवाज नहीं आ रहा है, कैं कैं आ रहा होगा ऑटो का अभी। तो सभी लोगों ने बोला हुआ था डबल हेलमेट का रूल है। अभी यहाँ पे देखो इधर तीन तीन हेलमेट लटका हुआ है, एक एक्टिवा में एक ही हेलमेट आता है ना। तो दो आदमी चार गाड़ी, सॉरी दो गाड़ी चार आदमी चार हेलमेट। और रास्ते में हम देख रहे हैं लोग ट्रिपल शीट आ रहे हैं, जीरो हेलमेट। चल दे जा काम पे लगा, भी इंट्रो मार फटाक से। वेलकम बैक टू नुस्ता मस्ती गाइस। हम मस्ती नहीं, नुस्ता भक्ति गाइस। ओके, हरी बोल हरी बोल हरे कृष्णा। हम पहुंच गए गोपाल शर्मा स्कूल HKM के तरफ से, और यहाँ पर हम भक्ति फुल भक्ति मचाने वाले हैं आज। फुल डांस करेंगे, कीर्तन पे डांस करेंगे, और मेडिटेशन भी करेंगे ब्रो। मेडिटेशन और एक राउंड माला भी करेंगे। हाँ, साथ में महाप्रसाद हम तो जरूर खाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नए साल में न्यू रेजोल्यूशन लेना सबसे बड़ा जरूरी है। अरे बट व्यूअर्स को ये तो बताओ ये है क्या चीज, यहाँ क्यों आए हैं वो तो बताओ। तो कैमरा थोड़ा ऊपर करो, मैं दिखाता हूँ। देखो हम आए न्यू पब्लिक स्कूल में, ठीक है। जुलाई के महीने से 2022 हमने शुरू किया था HKM हरे कृष्णा। हर संडे जाते थे, संडे जिसको जैसे टाइम अवेलेबल हो पाता था वो जाता था। बट आज के दिन पहला साल का पहला दिन है, तो आज यहाँ पवई में लोकेटेड है ये स्कूल। आप दिख रहे हो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अराउंड 100 से 150 लोग यहाँ पे जमा होंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, माला करेंगे, ठीक है। तो साल का अगर शुरुआत ऐसी हो तो मेरे हिसाब से तो सबसे गुड है, ठीक। और आगे आप कवर करिए। देखो ओवरऑल ऐसा है, हर संडे को हम लोग जाते थे हरे कृष्णा मूवमेंट, नौपाड़ा थाने में होता था। तो वहाँ पे थीम ऐसा है, एक घंटा भागवतम का लेक्चर होगा, भागवतम और भागवत गीता एक घंटा लेक्चर होगा, आधा घंटा कीर्तन होगा, एक राउंड माला होगा, उसके बाद में महाप्रसादम हम लोग इंजॉय करते थे। आज संडे का दिन है, 1 तारीख पहला महीना 2023 का है। तो यहाँ पे सिर्फ थाने के नहीं, ऑल ओवर मुंबई और थाने के सभी लोगों के लिए यहाँ अरेंजमेंट किया हुआ है। लास्ट टाइम गोवर्धन पूजा के टाइम पे किया था, बट धीरज आया था, मैं अकेला आया था, ये लोग नहीं आए थे। मैं नहीं आ पाया था ड्यू टू सम रीजंस बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या अरेंजमेंट है, और ऊपर का भी हम लोग आपको सीनरीज दिखाएंगे। हरी बोल हरी बोल। हरे कृष्णा। फुटवेयर यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा नाम नामिनो अभिन्नत्वम। नाम नामिनो अभिन्नत्वम, इसका मतलब ये है कि जो नाम है भगवान का नाम, और नामिनो जिसका नाम है
वो अभिन्न है। अभिन्न भिन्न मतलब अलग, डिफरेंट। अभिन्न मतलब नॉट डिफरेंट। द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड आर नॉट डिफरेंट। हमारे पे कृपा करने के लिए, आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ काइंडनेस, द लॉर्ड हैज डिसेंडेड इन द फॉर्म ऑफ हिज नेम। अगर भगवान के दर्शन करते हैं तो हम मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर समय समय में खुलते हैं। हो सकता है मंदिर आपके घर के पास ना हो, लेकिन भगवान के एक ऐसे अवतार हैं इस कलयुग में, नाम नामिनो अभिन्नत्वम। जब कभी भी चाहे हम भगवान के साथ संपर्क रख सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। सारी जो शक्तियां हैं भगवान की, भगवान ने समेट कर अपने नाम में रख दी। तत्रापिता नियमिता स्मरणे न काला। और खासकर इस कलयुग में तत्रापिता, और तो और ना केवल अपनी सारी शक्तियां रख दी हैं, तत्रापिता नियमिता, कोई नियम नहीं है। There is no hard and fast rule. Anybody, anytime, anywhere, in any circumstances can chant. तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला। स्मरणे का काला नहीं, कोई किसी टाइम पे भी आप कर सकते हैं। रात को नींद नहीं आ रही, आप चैंट कीजिए। सोने से पहले चैंट कीजिए, उठने के बाद चैंट कीजिए, स्नान करते हुए चैंट कीजिए। घर में कभी डेथ होती है तो बोला जाता है मंदिर नहीं जाना, कैन चैंट। लेडीज मंथली पीरियड्स, कैन चैंट। देयर इज नो सर्कमस्टेंसेस इन विच यू आर टोल्ड नो यू कैन नॉट चैंट। एनीबॉडी एनी टाइम एनी वेयर इन एनी सर्कमस्टेंसेस कैन चैंट द नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लॉर्ड। दिस इज द ग्रेटेस्ट बेनिडिक्शन, दिस इज द ग्रेटेस्ट फॉर्चून ऑल ऑफ अस हैव इन कलयुग। शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं, although it's an ocean of fault, kaler dosh nidhe rajan, but there is one good quality, mahaguna, kirtana deva krishnasya, just by chanting the names of krishna, mukta sangha will be freed from all the inabilities, all the shortcomings, jo bhi bad qualities hain, jo bhi hum logon ne galti se kar baithe hain, hum log jo bhi gandagi hum log accumulate kar baithe hain apne dimag mein, kahin pe bhi कोई भी गंदी आदतें हमने हमें लग गई हैं, वी ऑल गेट फ्री फ्रॉम ऑल इनएबिलिटीज, ऑल शॉर्टकमिंग्स।
डांस कर करके पूरी थक गए, जितना भी कैलरी तो सब बर्न हो गई, जितने भी पाप थे वो भी बर्न हो गया हमारे लिए, बट स्टिल अभी भी हरि कीर्तन चालू है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया, ऐसा हर संडे हो। विष्णु थक गया कि अभी और एनर्जी है? अभी है, थोड़ा एनर्जी बाकी है, सारे के सारे जुड़ गए हैं, जितना एनर्जी पजा है सारा इधर ही निकाल दो, कैलरी पाप दुख दर्द सब मिट जाएंगे। हरी बोल, हरी बोल प्रभु। कीर्तन खत्म हो गया है, महाप्रसादम भी हम लोग खा लिए हैं, मैं आदित्य और धनराज बैठे हैं। धनराज देखो नाचा नहीं, उसका टीका मीठा नहीं अभी तक। धीरज अभी महाप्रसाद खा रहा है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, पवई लेक पे जाएंगे और अपने अपने थॉट शेयर करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। तो मिलते हैं पवई लेक पे। हरी बोल धीरज प्रभु। हम लोग सीढ़ी की यूज कर रहे हैं, जब हमारे पास लिफ्ट का ऑप्शन था तो हम डर के आगे जीत का खेल खेलते। अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे पूरा डार्क अंधेरा है, ये तो हम लोग फ्लैशलाइट लगा के आप लोगों को हमारा चेहरा दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ सेंटा क्लॉज ने गिफ्ट रखा है। नहीं ये संता है, चलो नहीं गिफ्ट तो नहीं लेंगे हम लोग। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? घर नहीं, हम लोग जाएंगे पहले पवई लेक, अपना विचार आपके सामने रखेंगे। फिर वहां के बाद हम लोग निकलेंगे घर। नीचे देख के चलो, काफी अंधेरा है, आपको बैक कैमरे से अंधेरे का एक आवाज कराता हूँ। गाइस मैंने ये कैमरे के ऊपर हाथ नहीं रखा है, ये एक्चुअल अंधेरा है, आप लोग देख सकते हो। अभी जस्ट आप लोग इमेजिन करो, वो जो भूत वाले मूवी में रात को सब ऐसे जाते हैं ना तो भूत पकड़ लेता है, वो वाली फीलिंग आ रही है। अगर बंद भी रहेगा तो वहाँ लिफ्ट होगा ना बॉस? अरे फर्स्ट फ्लोर है, तो ग्राउंड में ग्राउंड पे जाना है अपने को। रेज प्रभु क्या बोल रहे थे पैर के बारे में? भगवान का शुक्र है तुम एक्टिवा पे आए हो, वरना बाइक ले जाके कहीं घुसा देते, बाद में बोलते साला पैर का ब्रेक ही नहीं लग रहा था। धनराज धीरज के पीछे बैठना है, भगवान का नाम ले लो आखिरी बार।
तेरे पीछे कोई नहीं बैठेगा। वेलकम बैक टू नुस्ता मस्ती गाइस। आज हम लोग गए थे गोपाल शर्मा स्कूल, वहाँ पर हमने भजन अटेंड किया। भजन के साथ में कीर्तन था, उसके बाद फिर प्रसादम था, और वो हम लोग ने इस तरह इन्जॉय किया। बट अदर्स किस तरह इन्जॉय करते हैं आप देख सकते हैं हमारे सराउंडिंग में। तो अभी आगे की बात आपको आदि के द्वारा सुनाई जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु। आज का वो दिन है जहाँ पे लोग एक नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं, नए रिजोल्यूशंस वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो आज का वो दिन हमने भी सेलिब्रेट किया, बट हमारा सेलिब्रेट करने का तरीका कुछ अलग था, और इस तरीके से मैं बहुत ही खुश हूँ, ठीक है। एक होता ना, कुछ चीज़ करने से हमको आत्म खुशी मिलती है कि भाई अच्छा हुआ, इसमें मज़ा आया। तो ये वो चीज़ थी जहाँ पे एक कीर्तन हुआ, ठीक है। कीर्तन में सब झूमे, गाए, हरि नाम लिए। तो पूरे साल में हम एक ना एक दिन वो बहुत कम समय निकालते हैं इन सब चीज़ों को देने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात तो मेरे को ये समझ में आया कि हम जो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, वहाँ पे हम कैलरी बर्न करते हैं, बट यहाँ पे एक हरि कीर्तन में इतनी एनर्जी रहती है कि हमारे कैलरी के साथ साथ हमारे जो पाप होते हैं वो भी बर्न हो जाते हैं। तो इस न्यू रेजोल्यूशन में एक मेरा रेजोल्यूशन ये भी है कि ये पहला दिन मेरा आखिरी दिन ना हो, ये ईयर दर ईयर हर, जैसे पिछले 6 महीने से मैंने कंटिन्यू किया है हरे कृष्णा का, आने वाले पूरे साल कंटिन्यू करो, और इस 6 महीने को 6 साल से भी ज़्यादा मैं कंटिन्यू करते रहूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा टू एवरीवन। अभी आदित्य और धीरज ने तो सारी बातें ऑलरेडी बोल दी हैं। तो हमारे चैनल का नाम है नुस्ता मस्ती, लेकिन पिछले 6 महीने से ये नुस्ता भक्ति टाइप में थोड़ी चल रही है। व्लॉग्स थोड़े कम आ रहे हैं बिकॉज हम लोग अदर चीज़ों में, वीकेंड्स पे हम लोग हरे कृष्णा जा रहे हैं शाम में, तो हम लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ओवरऑल सिंपल सा एक बोलूँगा कि बहुत लोगों से जब मिलता हूँ तो हम लोग भी थोड़ा सा प्रचार करते हैं अपनी संस्कृति का। तो लोगों को पूछता हूँ भगवद गीता के बारे में, तो बोलते हैं पढ़ना चाहता हूँ बट टाइम नहीं मिलता है। तो अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, आज डे 1 है 2023 का, टोटल 700 वर्सेस हैं भागवत गीता में, आपको 365 डेज मिल रहा है। अगर डेली दो भी आप रीड करोगे तो साल ख़त्म होते होते पूरी भागवत गीता ख़त्म हो जाएगी। और स्टिल दो लोगों ने ये क्वेश्चन किया था ऐसा बोलने पे, क्या मैं साल ख़त्म होते होते कंप्लीट करूंगा बट पीछे का भूल जाऊंगा, एटलीस्ट कुछ तो सीखोगे। तो ओवरऑल मुझे यही कहना था, अभी धनराज भी हमारे साथ में काफ़ी दिन से आ रहा है, बट अभी धनराज एक बार आएगा और बताएगा वो कैसा ज्वाइन किया। तो धनराज हम लोग का हमेशा स्टेटस वगैरह देखता था, तो एक दिन धनराज ने बोला क्या मुझे भी लेके चलो, संडे को मेडिकल में कम प्रेशर रहता है क्योंकि दवा खाना बंद होता है। तो धनराज अपना एक्सपीरियंस क्या शेयर करना चाहो? हरी बोल। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ मुझे, मतलब मैं 3-4 वीक से जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मन की शांति हो गई मेरे दिल में, बहुत ही खुशी होती है मुझे वहाँ जाकर, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने पूरे दिनचर्या को लेकर, कैसे दिन शुरू करना, कैसे दिन ख़त्म करना, और पूरी लाइफ का लेसन आपको वहाँ पे मिलेगा। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ आइए। देखो आप लोगों को अगर और डिटेल है कि कहाँ जाते हैं, क्या होता है, थाने में नौपाड़ा में HKM का जो भी लेक्चर्स होते हैं भागवत गीता के वहाँ होते हैं, अगर आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बोलिए, हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे ऐसे ऐसे है, फिर आप लोग साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई कुछ नहीं, आइए एक दिन आके अटेंड कीजिए, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू कीजिए, आपकी इच्छा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रुके, मेरे को कुछ बोलना है माइक। अगर आपको न्यू ईयर अगर कोई पार्टी सेलिब्रेट करना है तो डीजे नाइट से मत करिए, कीर्तन नाइट से उसे सेलिब्रेट कीजिए, आपको अलग ही आनंद मिलेगा। डांस तो डांस होता है, चाहे क्लब में हो चाहे कीर्तन में, कैलोरी दोनों जगह बर्न होती है, लेकिन यहाँ कीर्तन में पाप भी बर्न होते हैं जैसे आदित्य ने बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हरि बोल। तो अभी हम लोग गाड़ी यहाँ से निकाल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे सबसे सेफ ड्राइवर धीरज है, बहुत सेफ गाड़ी चलाता है। अभी सीधा कृष्ण से मिलेंगे। आदि हमारा राइडर है, इसकी गाड़ी कभी 30 के ऊपर जाती नहीं है, क्या पता इसने 1.5 लाख की गाड़ी क्यों खरीदी। मिलते हैं, आप सिनेमैटिक शॉट्स देखिए, कैमरे पे हाथ मार दो भाई। अभी मैंने और आदि ने दोनों ने हुडी पहन लिया है क्योंकि आगे बहुत ठंडी होने वाला है। आदि अपनी पल्सर को चलाएगा आज।